और सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। ऊपर में वेंटिलेटर था, वो थोड़ा सा उसमें गैप था, तो यहाँ पर तो मौजूदे हैं, अब किसी को पॉइंट आउट क्या करें, वो अपना जा करके इसको क्या कहते हैं आप लोग माइक, उसको जाके उधर लगाए हुए थे नीचे से कुर्सी, न कोई कंटेक्स्ट, हम क्या बोल रहे हैं से कोई मतलब नहीं, और चलता रहा दिन। पार्टी के अंदर कोई बात बताई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है, वो पार्टी के अंदरूनी चीज़ होती है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व होता है, और पार्टी जब कोई चीज़ रिजॉल्व करती है उसको उसका पब्लिक अनाउंसमेंट करती है। लेकिन अब जब यहाँ तक आप कर लीजिएगा आप लोगों में से कुछ लोग, तब तो बड़ा मुश्किल है पार्टी के अंदर की बैठक का सब कुछ। तो आप जो पूछ रहे हैं वो सब में कोई बात नहीं, व्हेन एवरीथिंग इज एक्सप्लेन नाउ, उसके बारे में जो कुछ भी बात हुई, हमने भी जब 23 तारीख को ही एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद से तो कोई बात है नहीं। और जब आज़ाद साहब का कोई बयान आया तो जेडीयू की तरफ से भी उस पर जो भी जिसको कहना था हो गया। अब उन चीज़ों को, ये ऐसी चीज़ है कि एक पृथक घटना, राष्ट्रपति का चुनाव और अलग अलग पार्टियों का अलग अलग विचार होता है, सोच होता है, तो उस हिसाब से पार्टियां निर्णय लेती हैं। तो इसमें किसी तरह की कोई बात अब इसको लेकर कुछ नहीं है। हाँ, आप लोग तो चलाते रहिएगा, आप समस्या है कि टेलीविज़न भी है, उसके बाद वेबसाइट भी है, तो छोड़िए कैसे, कुछ ना कुछ तो आपको भी रोज़ चाहिए मटेरियल। लेकिन हम लोगों की तरफ से जिनका जो स्टैंड है अब वो सब कुछ प्रकट है और वह कोई इशू नहीं है। और हमारे बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है, इसके जो कार्यक्रम हैं उसको लागू करना हम लोगों की प्राथमिकता है, और उसी काम में हम सब लगे हुए हैं। राज्यस्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में आपने जो कुछ कहा उससे आप पीछे नहीं हट रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप उस बातों को इनकार नहीं कर रहे हैं। हम कहीं देख ही नहीं रहे, कौन 2019 के लिए जो कहां कौन बोल रहे हैं, जैसे अब बताइए इतना पीछे छिप के बोल रहे हैं। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कोई बात कही जाती है उससे कोई पीछे हटता है? हम तो आपको बता रहे हैं कि राज्य कार्यकारिणी के अंदर की बात को उस तरह से नहीं निकालना चाहिए। हम आपको भी कहेंगे लोकतंत्र में और जो फंक्शनिंग है सब में थोड़ी मर्यादा का पालन करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, आप कर भी दिए तो हमको क्या दिक्कत है। हम तो प्रेस की आज़ादी के इस कदर पक्षधर हैं कि अगर कोई गलत भी छापेगा चलाएगा, भले गलत हो, लेकिन फिर भी हम आज़ादी के पक्षधर हैं। इसलिए यह प्रश्न तो कोई औचित्य ही नहीं रखता है। हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में कोई बात बोल रहे हैं पार्टी की मीटिंग में, तो उसे कौन पीछे हटने का कहाँ सवाल है, तब पीछे ही हटने के लिए बोल रहे थे। लेकिन उस बात का इंटरप्रिटेशन बिला वजह दूसरे ढंग से करने की कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी की जब मीटिंग होती है तो पार्टी में अपनी पॉलिसी, अपना प्रोग्राम, पार्टी का आगे का प्रोग्राम, कंटेम्प्ररी इशूज, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो जब डिस्कस होती हैं तो उसके कुछ चीज़ों को लेकर के अगर ऐसा कुछ लग रहा हो तो भाई ये तो आप लोगों को मुबारक हो। 2019 की तैयारी को लेकर की भी बातचीत हुई है, तो क्या 2019 के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा है कि दो बार आपने कोशिश की विपक्षी एकता को लाने के लिए, महागठबंधन बनाने की बात हुई, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है, आखिर किस जगह पर ये बात नहीं हो रही है, क्या आप इस बात में पक्षधर हैं कि 2019 के लिए विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा होना चाहिए? नहीं, चेहरा वगैरह की बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन शुरू से हम लगातार इस बात की वकालत करते रहे हैं, सिर्फ विपक्षी एकता नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव नैरेटिव भी होना चाहिए, एजेंडा तय होना चाहिए, वैकल्पिक क्या हमारा एजेंडा है इसको लेकर हमें अपनी बात जनता के समक्ष रखनी चाहिए,
और इस आधार पर एकता और गोलबंदी होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि वह प्रभावी होगा, प्रभावकारी होगा। अकेले सिर्फ हम एकता की बात करें या चेहरा की बात करें तो वह उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव एक आप अल्टरनेटिव वैकल्पिक एजेंडा के साथ चले। और आपको मालूम होगा जब चिदंबरम साहब ने मुझे बुलाया अपने किताब के विमोचन में, और मुझे तो यह मालूम नहीं था, अब हम 12 साल से अब पटना में ही बिहार में ही हम केंद्रित हैं, मैं तो नहीं मालूम था कि विमोचन होता है तो उसमें कुछ पैनल डिस्कशन होता है, ये तो हमको पता भी नहीं था। हमको आमंत्रित किया था पैनल डिस्कशन, बरखा दत्त थी, कई लोग वहाँ पर थे, तो उसमें भी हमसे पूछा तो हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई एजेंडा तय करिए। और विपक्ष में विपक्ष की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने एजेंडा को आगे बढ़ाएं। रिएक्शन विपक्ष का करना धर्म है, तो हम जो भी सत्ता पक्ष की बात है उसका जो विरोध करना है उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया देनी है वह करें, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त हम सब लोगों को लगाना पड़ेगा अपने अल्टरनेटिव एजेंडा को जनता के सामने रखकर उस पर आगे बात बढ़ाने का। ये तो मेरी शुरू से राय है, आज से नहीं राय है। तो इसलिए क्यों अल्टरनेटिव एजेंडा कोई एक आदमी तय कर लेगा, यही तो पार्टियों को मिलकर तय करना चाहिए कि हमारा क्या होगा, आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में क्या हमारा एजेंडा होगा, हम किस प्रकार से देश को आगे ले जाएंगे। आज का जो देश का माहौल है इसके बारे में आप अपना नैरेटिव, आप हम तो किसी को कहते नहीं हैं, गौरक्षा की बात होती है और आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर अल्टरनेटिव कह रहे हैं कि लावारिस पशुओं की देखभाल का तो इंतजाम करिए, कैसी गौरक्षा। तो अगर इस प्रकार से आप अल्टरनेटिव अपनी तरफ से इन चीजों को रखेंगे तो वो प्रभावी होगा। सिर्फ बोलने से और प्रतिरोध करने से नहीं होता है, अल्टरनेटिव क्या है। हम तो इस चीज के पक्षधर हैं कि हर एक चीज के बारे में जो जनहित में है और देश के हित में है उस पर हमें अपनी बात रखनी चाहिए और वो सेट करना चाहिए। और मैंने तो चिदंबरम साहब के बुक रिलीज के फंक्शन में सामने श्री राहुल गांधी जी बैठे हुए थे तो हमने कहा कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सेट करिए, अब बुला करके एजेंडा सेट करना चाहिए या अन्य प्रकार से भी जिस तरह से भी हो कोई और भी पहल हो तो उसमें वैकल्पिक एजेंडा बनना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें हो सकती है। अब किसान का मुद्दा है, अब बताइए फिर चला गया बैकग्राउंड में किसान का मुद्दा। राष्ट्रपति के चुनाव को इस प्रकार से राजनीतिक रूप से हाईलाइट कर दिया गया कि जो मूल मुद्दा अभी किसान का चल रहा था वो पीछे गया या नहीं गया। किसान के मुद्दे को तो कभी पीछे नहीं जाने देना चाहिए, जो वायदे किए गए थे उसका पालन नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अल्टरनेटिव जो नैरेटिव है वो सेट करना चाहिए। अब आप हम ही को कहिएगा तो हम ही हैं काबिल जो हम ही सब सेट कर दें कि यही अल्टरनेटिव नैरेटिव। अब आपको चैनल को कहाँ दिलचस्पी है सब, चलिए देखेंगे आगे, देखेंगे आगे। अरे भाई तो जैसे आप बोलते वैसे हम भी बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों तो दिलचस्पी सर, आई हैव वेरी क्लियरली सेट अर्लियर ऑल्सो आई एम नॉट द फेस ऑफ अपोजिशन फॉर 219, नाइदर आई कैन बी। मुझ में न वह क्षमता है न मेरे मन में वह एस्पिरेशन है। प्लीज इसको छोड़ करके बात करिएगा तो बड़ा बढ़िया बात होगा, लेकिन जहां अभी आपको कोई मिल नहीं रहा है तो कोई ना कोई को तो ध्वस्त करना है तो काहे का करिएगा। अच्छा आज तक आप देखें जिसका नाम चलता हो कभी जाता है।
तो इसलिए 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 हमने अपने आप को इससे बहुत बाहर कर लिया है। हम कभी इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। आप बताइए ना भाई, हम लोग एक छोटी पार्टी है, बिला वजह का एस्पिरेशन पालना अच्छी बात नहीं है, हुआ नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं आपको, बात मान लीजिए, मेरी बात तो मानते नहीं हैं, लेकिन आप समझ लीजिए, स्पष्ट मत है हमारा कि आज देश में अल्टरनेटिव नैरेटिव की जरूरत है। सिर्फ रिएक्टिव नैरेटिव से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ एकता की बात कर देने से भी काम नहीं चलेगा। बिहार का महागठबंधन है, वह सिर्फ विपक्षी एकता नहीं थी, उसके पास एक तो हम लोगों का जो काम किया हुआ था वह पृष्ठभूमि में था, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में डेफिनेट हमारे पास एजेंडा था, और उसको लेकर हम लोग गए लोगों के सामने, तो जीत मिली है। इन सब चीजों को मिलाकर जीत हुई है। लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे कि सिर्फ रिएक्ट करने से, और दूसरी तरफ क्या हुआ, सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे, अल्टरनेटिव तो कुछ था नहीं। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, अगर बिहार के 2015 के चुनाव को गौर से आप देखिए, चाहे वो महागठबंधन का साइड हो या एनडीए का साइड हो, और हम लोगों ने यूनिटी भी की 2015 में, तो वो जबरदस्त यूनिटी थी। अलग अलग घटक दलों के कैंडिडेट के नाम अलग अलग नहीं घोषित हुए, जो एनडीए करने में विफल रहा। हम लोगों ने एक साथ 241 कैंडिडेट के नाम घोषित, 243 कैंडिडेट के नाम घोषित किए थे एक साथ तीनों पार्टी का, तो एकता भी बड़ी जबरदस्त थी, गठबंधन का फ्रेम भी बहुत क्लियर था, और आगे का एजेंडा भी बहुत साफ था, साझा कार्यक्रम भी बहुत स्पष्ट था, तो सफलता मिली। और दूसरी तरफ हम एक उदाहरण दे रहे हैं भाई, अध्ययन करने के लिए हम कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो खिलाफ थे उनका कोई क्लियर एजेंडा भी नहीं था, वो जो कुछ भी था रिएक्टिव एजेंडा था उनका, इसलिए देखिए सफलता नहीं मिल पाई, और एकता भी वैसी नहीं थी। एनडीए के घटक दलों के उम्मीदवारों की घोषणा अलग अलग हुई, लेट तक होती रही, तो न यूनिटी का उनका कोई पिक्चर गया, न अल्टरनेटिव एजेंडा का पिक्चर गया, और एक तरफ यूनिटी और एजेंडा दोनों था, हम लोगों को जबरदस्त सफलता मिली। राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ गठबंधन बनाने से नहीं, गठबंधन के साथ अल्टरनेटिव नैरेटिव को भी तय करके लोगों के बीच में रखना चाहिए। और मेरी मान्यता है, देखिए हम तो छोटे आदमी, हमको ऐसा लगता है कि अपोजिशन का जो दायित्व है अपोज करना, वह तो करना ही है, लेकिन उसमें जितना वक्त लगाना है उससे ज़्यादा बड़ा वक्त अपने एजेंडा को जन जन तक पहुंचाने में लगाना चाहिए। तो आप पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं कुछ, ये तो हवा में है सर। मीडिया क्या है, हवा है ना, और आप ही लोगों के हाथ में है, कभी कभी हवा बांध भी देते हैं, कभी हवा बना भी देते हैं, ये तो आप लोगों के हाथ में। आजकल कहीं बांधे हुए हैं, कहीं बनाए हुए हैं, इसमें क्या है। अरे भाई कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, ये सब आप लोगों के का इंटरप्रिटेशन है, जो आपको करने का मौलिक अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पूछा हमने जवाब दे दिया। आप इतना ज़्यादा एक ही चीज को घसीटने का कोई औचित्य नहीं है। कहाँ शैडो बॉक्सिंग हो रहा है भाई, आप पद हैं, कहाँ शैडो बॉक्सिंग हो रही है, कोई शैडो बॉक्सिंग नहीं हो रही है। शैडो बॉक्सिंग तो नहीं हो रही, लेकिन शैडो रिपोर्टिंग जरूर हो रही है। अभी तो उपराष्ट्रपति चुनाव होगा तो आप सब देख ही ना लीजिएगा, अभी से इतना क्यों उपराष्ट्रपति के चुनाव को, और हम नहीं समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई इतना खास और बड़ा मुद्दा है। बेसिक मुद्दा है इस देश की जो स्थिति, जो हालात, इस पर
सब लोगों को क्या करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ये भी माइक पकड़े हुए, वो भी माइक पकड़े हुए। तो अच्छा इधर एक बार, सब उधर ही था अब तक, इसके बाद बोलिएगा। सबसे पहले तो मेरे जाने और न जाने, मेरे जाने और न जाने का प्रश्न कहाँ आता है? कोई किसी प्रकार का कोई इनविटेशन तो नहीं था, केंद्र सरकार की तरफ से कोई इनविटेशन नहीं था, केंद्र सरकार की तरफ से सांसदों को था, कई लोगों को था, विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों को और जीएसटी काउंसिल को था। तो हमारे प्रदेश के माननीय वाणिज्य कर मंत्री जी श्री बजेंद्र प्रसाद यादव जी निरंतर जीएसटी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और जीएसटी काउंसिल को इनवाइट किया गया था, वो उस हैसियत से थे, और सांसदों को बुलाया गया था, तो हमारे पार्टी के 10 सांसद मौजूद थे वहाँ, लेकिन हमको तो नहीं बुलाया गया था। मुझको भी आश्चर्य होता था जब आपके मित्रगण एकाध पूछे थे, तो हमने कहा इन्विटेशन आप ही के पास आया है, क्या भिजवा दीजिए। तो मैंने तो शुरू से कहा था, और आप में से कतिपय लोगों ने मेरे ऑफिस से भी पूछा था, तो ऑफिस ने भी उनको जवाब दे दिया था, वेयर इज द इनवाइट। कोई इनविटेशन नहीं था। ये पता नहीं बगैर कंफर्म और वेरीफाई किए हुए क्या कोई आमंत्रण था, और मुझे नहीं मालूम है कि कोई मुख्यमंत्री वहां थे नहीं थे, हमें नहीं मालूम है, नहीं हमें नहीं मालूम है, नहीं आप बोल रहे हैं ये तो खुद थे। कोई मुख्यमंत्री को बुलाया गया था क्या? जहां तक ये बात हो गई, जिनको बुलाया गया था वो थे। और जीएसटी का जहां तक सवाल है, देखिए ये पिछले अनेक वर्षों से काम चल रहा है, यूपीए के जमाने से ही जीएसटी पर काम हो रहा है, और आप जानते हैं जब हम एनडीए में थे तब भी हम जीएसटी के हिमायती थे, और आपको अच्छी तरह मालूम है उस समय बीजेपी शासित कुछ राज्य इसके विरोध में थे, तब भी बिहार सरकार उसके पक्ष में थी, बीजेपी हमारे साथ थे, और यही नहीं हमारे वित्त मंत्री और वाणिज्य कर मंत्री श्री सुशील मोदी जी थे, उनको जब वो स्टैंडिंग कमेटी थी ना, एम्पावर्ड कमेटी, उसका चेयरमैन की बात आई तो उनके मन में दुविधा थी, हमने कहा ये तो राज्य का है फैसला, और केंद्र से भी बात हुई थी, उसके चेयरमैन भी बने, तो हम लोग तो प्रारंभ से इसके हिमायती हैं, और अब भी जब जीएसटी की बात आई तो हम लोग उसके पक्ष में थे। और जहां तक सवाल है कि क्या है क्या छूटा हुआ है, जितनी चीजों पर सहमति बनी है उतनी चीजें हैं। ये प्रारंभ से जो आप बोल रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या अल्कोहल हो, ये सारी चीजें प्रारंभ से ही अलग शुरू से ही कहा गया, और जो इसकी उपलब्धि जो मैं मानता हूं होने वाली है वह है ट्रेड में, व्यापार में ट्रांसपेरेंसी आएगी, हम उसके हिमायती हैं, और एक ही प्रकार का टैक्स पूरे देश में लगेगा तो उस टैक्स की व्यवस्था को चलाना सहज होगा, और इससे जो गलत कारोबार था उस पर रोक लगेगी। तो हम लोग तो इसके पक्षधर हैं, और जहां जो चीज कंज्यूम हो रहा है वहां टैक्स लगेगा, और एक टैक्स है, तो इस कई कारणों से हम लोग शुरू से इसके हिमायती हैं, और आज भी मुझको पूरा भरोसा, शुरुआती दौर में कठिनाइयां तो आ सकती हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज को लागू किया जाता है तो शुरुआती दौर में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, वो तो आ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर जब ये पूरे तौर पर लागू हो चुका, अब संविधान का संशोधन हो गया, अब संविधान संशोधन के बाद तो माल और वस्तु कर प्रणाली लागू हो गई, अब यह इफेक्टिव हो हम लोग तो सब चाहेंगे, और डे वन से प्रारंभ से ही जब से प्रपोजल आया हम लोग इसके पक्ष में हैं,
चूंकि टैक्स के मामले में यह एक रिफॉर्म है और पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा, तो हम लोग प्रारंभ से, अब रही बात कि ये छूटा हुआ है, अगला छूटा हुआ है, अभी कई तरह छोटे कारोबारियों की बात आई, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 20 लाख तक का तो है ही नहीं टैक्स, उसके आगे 75 या 80 लाख वहाँ तक आपको कंपाउंडिंग है, कई तरह के प्रावधान हैं, लेकिन अभी कई प्रकार की गलतफहमियां लोगों के मन में होगी, तो वह एक पृथक प्रश्न है। ऐसी चीज़ें तो आएंगी और ये केंद्र सरकार का काम है उसको करे, और हमारे यहाँ तो राज्य में भी इसके बारे में बाजाबता ओरिएंटेशन का काम किया जा चुका है और ये निरंतर जारी रहेगा, ताकि हमारे अधिकारी और हमारे व्यवसायी सब लोग ठीक ढंग से GST के अनुरूप काम करें। ये कह रहा है कि न्योता नहीं आया, आपने कहा कि न्योता आएगा तो जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, ये तो टेक्निकल शब्द है, ये तो टेक्निकल शब्द है कि न्योता मिलेगा तो जाएंगे, कहीं कहता है लोग कि बिना न्योता के पहुंच जाएंगे, वो मिल चुका है या नहीं हुआ इसमें आप काहे परेशान, इनफॉर्मल मिल चुका है, फॉर्मल भी आ जाएगा, लेकिन ये तकनीकी रूप में ही बोला जाता है। तो नज़दीकी में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना, ये तो पहला इसमें आज शुरू हो रहा है, तो इस तो प्रयोग किया है, अब आज जो कोई कठिनाई है उसको देखते हुए अगली बार सुधार हो जाएगा। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पुराने साथी रहे हैं, वो प्रतिदिन बयान देने के आदि हैं और वो बयान देते रहते हैं, बयान वो आपके लिए देते हैं, हम उन बयानों को न देखते हैं न हम उस पर ध्यान देते हैं, देखते ही नहीं, हम क्या ज़रूरत है, हेडलाइन पर नज़र पड़ जाती है, डिटेल में हम नहीं जाते। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों को, फिर अभी बचाई हुआ देखिए, एसिड अटैक विक्टिम का देहांत हो गया और पिताजी ने गुहार लगाया, हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई, लेकिन कल आपके PTI का रिलीज हमने देखा, तो जो चिट्ठी भेजा होगा उस समय रिलीज किया होगा आप लोगों को, तो चिट्ठी तो हमारे यहाँ सेक्रेटेरिएट के थ्रू आएगी अगर भेजा होगा तो, लेकिन PTI ने जब रिलीज कर ही दिया कि ऐसा चिट्ठी लिखा है, तो हमने PTI के रिलीज को ही मान लिया चिट्ठी, और उस रिलीज को चिट्ठी मानते हुए तत्काल हमने प्रॉपर एक्शन का निर्देश दे दिया, और पटना के कमिश्नर को हमने कहा व्यक्तिगत रूप से देख लीजिए, क्योंकि एसिड विक्टिम के बारे में हम लोगों की पॉलिसी बनी हुई है, हम यह भी जानना चाहते हैं अगर कोई एसिड विक्टिम है और हमारी पॉलिसी बनी हुई है तो कई प्रकार के इलाज में हो जो उसके बारे में कानूनी कार्रवाई का मामला हो या उसको सहायता देने का मामला हो, ये सारे प्रावधान हैं, तो उसके मुताबिक तो स्वाभाविक तौर पर मिलना चाहिए, तो हमने यह भी कमिश्नर को कहा है कि आप एक एक बात की जांच, क्योंकि कल तो संडे था, कल ही रिलीज था आपका, तो कल ही मेरी जानकारी में यह बात आई, लेकिन एसिड विक्टिम की बात जो मनेर वाला हमने देखा यह उस समय तो हुआ था और उस समय काफ़ी उसके बारे में प्रॉपर एक्शन की बात भी हुई थी, तो हमने देखा कि भाई उनके परिवार के लोग गुहार लगा रहे हैं, तो उनको तो पर्याप्त मदद और सहायता दी जाएगी, इसका पूरा प्रावधान।
लेकिन मुझे तो व्यक्तिगत रूप से मालूम नहीं था, पीटीआई के रिलीज से ही हमको जानने को मिला और कल ही एक्शन लिया, आज के कुछ दैनिक समाचार पत्रों में भी आया हुआ है। लेकिन हम तो कल ही इसके बारे में जो कुछ भी करना है वो कर रहे हैं और आज मेरे ख्याल से हाँ हमने कहा भी है पटना के कमिश्नर को कि परिवार से मिल लीजिए और पूरी बात समझिए और जानकारी ले लीजिए, इसमें जो पुलिस एक्शन होना था उसकी क्या प्रगति है, सारी चीज़ों की जानकारी लेने कहा है। और जब हम लोगों ने एसिड विक्टिम के बारे में नियम बना दिए हैं तो उन नियमों के मुताबिक उनको मदद मिली या नहीं मिली, एक एक पहलू को देखने के लिए हमने निर्देश दिया। तो कई मसलों पर नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी और महत्वपूर्ण ये कि उनका यह कहना कि मैं 2019 के लिए चेहरा नहीं हूं ना ही बनूंगा। हालांकि एक बात और उसमें उन्होंने जोड़ दी कि जिसका नाम चलता है वो बनता नहीं, हर मुद्दे पर विपक्ष को एजेंडा तय करना चाहिए, यह बात भी उन्होंने कही है। जीएसटी की हिमायत की है नीतीश कुमार ने। और इसके अलावा आपको बता दें यह कहना आरजेडी की रैली को लेकर कि इनफॉर्मल नेता मुझे मिल चुका है। कई मुद्दों पर बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी राय रखी और खासतौर पर कांग्रेस पर लगाए आरोपों पर नीतीश ने यह कहा कि जो बात मैंने कही पार्टी के अंदर की बात थी लेकिन इससे वो इनकार भी नहीं कर रहे हैं। 2019 के लिए विपक्ष को तय करना चाहिए एजेंडा। हालांकि अपने संदर्भ में उन्होंने ये बात कही कि मैं चेहरा 2019 का नहीं हूं और ना ही बनूंगा। तो 2019 के लिए विपक्ष का पीएम उम्मीदवार नहीं, यह कहना नीतीश कुमार का। एजेंडा साफ होने की वजह से ही बिहार चुनाव जीते थे लेकिन फिलहाल विपक्ष का एजेंडा साफ नहीं है, हर मुद्दे पर विपक्ष को एजेंडा तय करना चाहिए। और अल्टरनेटिव नैरेटिव की उन्होंने बात कही, रिएक्टिव नैरेटिव ना हो, जीएसटी के पक्षधर हैं यह भी उन्होंने कहा। और आरजेडी की रैली के संदर्भ में उनका यह कहना था कि अनौपचारिक तौर पर न्योता मिल चुका है, औपचारिक न्योता भी मिल जाएगा। तो कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी नीतीश कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और महत्वपूर्ण ये कि जो आरोप कांग्रेस के संदर्भ में लगाए गए थे, जो फूट के आरोप लगाए गए थे या फिर पिछलग्गू ना होने की बात कही गई थी, उस पर साफ तौर पर नीतीश कुमार का यह कहना कि पार्टी के अंदर की बात थी लेकिन उन बातों से उन्होंने इनकार भी नहीं किया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।